जैसे आप देख रहे हैं कि सैंड या फिर उसको हिंदी में रेत भी बोला जाता है, ये हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत ही बड़ा रोल निभाता है। चाहे हमें कॉन्क्रीटिंग करना हो, मोटरिंग करना हो, प्लास्टरिंग करना हो, हमें रेत की जो ज़रूरत है वो पड़ती रहती है। लेकिन बहुत सारे हमें टेक्निकल चीज़ें तो पता है कि रेत की, सैंड की टेस्टिंग कैसे होती है, लेकिन क्या हमें पता है कि बड़े पैमाने पर इसको डग आउट कैसे किया जाता है या फिर इसको बाहर कैसे निकाला जाता है? तो इस वीडियो में हम वही देखेंगे कि एक्चुअल में बड़ी क्वांटिटीज में या फिर ज़्यादा क्वांटिटीज में रेत को बाहर कैसे निकाला जाता है। जैसे कि वीडियो में आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक नाव लगी रही है जिसका एक पाइप जो है, इसका टोर जो है वो नदी के बॉटम में या तल में लगा गया है। वो तल से जो रेत है वो सक की जाती है, बाहर निकाली जाती है और जिसको पाइप के थ्रू जो है वो ट्रांसपोर्ट की जाती है। देन ट्रांसपोर्ट में जो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे एक बोट लगी है जिसका जो एक पाइप है वो पाइप के पानी के अंदर जो है वो रखा गया है, जिसमें जो कि बॉटम की जो रेत है जो एकदम फाइन सैंड है, बारीक है, वो रेत को हम उसके बॉटम से बाहर की तरफ निकालते हैं। इसमें एक जनरेटर और एक ऑपरेटर भी लगा रहता है जो कि रेत का ट्रांसपोर्टेशन जो है वो फ्लूएंटली हो सके इसके लिए ध्यान रखते रहता है। तो इसमें जो बॉटम की है 15-20 फीट तक हम रेत को बाहर निकाल सकते हैं। देख, रेत को बाहर निकालने के बाद वो सब की हुई जो रेत है उसको ये जो पाइप्स लगे हैं इस पाइप के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है सीव के ऊपर। सीव मतलब छाननी, तो छानने के ऊपर जो है उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। जैसे जैसे ये एक जगह की रेत खत्म हो जाती है या फिर वहाँ पे उसका बॉटम अगर लग जाता है तो इसको हम आगे तक की तरफ खींचते जाते हैं। देखिए जो सैंड है वो एक सी छाननी के ऊपर, यानी सी के ऊपर जो है वो लगी हुई रहती है, जिसमें से एकदम बारीक रेत जो है मतलब फाइन सैंड जो है वो आगे की तरफ की जाती है और आगे से फिर बाय दी एक्सकैविटर से हम जो है उसको डग आउट कर लेते हैं और बाहर जो है वो बारीक रेत जो है हमें मिल जाती है। तो इसमें ये सिस्टम आपको दिखाई गई है कि पूरा ऑपरेशन जो है वो किस तरह से कैरी आउट होता है और किस तरह से इसका ऑपरेशन जो है वो चलता रहता है। यह अभी मॉडर्न इंडस्ट्री जो है वो हमें यूज़ करते हैं हम सैंड को डग आउट करने के लिए और भारी मात्रा में सैंड को बाहर निकालने के लिए, रेत को बाहर निकालने के लिए। तो इसमें से जो आप देख रहे हैं ऑपरेशन में, इसमें एक जनरेटर लगा है शीप में और इसका एक पाइप जो है वो नीचे की तरफ छोड़ा गया है। दूसरे पाइप जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है जो कि आपकी रेत को ट्रांसपोर्ट कर रहा है सीव के ऊपर। देन यहाँ पे इसके एंड में एक सीव लगी है, छाननी लगी है, जिससे फोर्स के साथ जो है बारीक रेत को छाना जाता है। जो छानी हुई रेती है या रेत है उसको बाहर की तरफ निकाला जाता है और उसे ट्रांसपोर्ट के लिए भेजा जाता है। ऐसे ही बहुत सारे सिस्टम जो है उसके रेडियस में आजू बाजू में लगे रहते हैं, तो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में एक ही रेडियस में जो मटेरियल है वो हमें मिल सके। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कम से कम यहाँ पे 5 या 6 जो है वो शिफ्ट्स है और 5 या 6 शिफ्ट्स के ट्रांसपोर्ट की गई रेत जो है वो एक जगह पे आती है, देन एक्सकैवेटर से उसको निकाल के ट्रक में भर के दूर दूर तक उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ये जो सीव होती है वो आपके सैंड को या रेत को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। एक जो पार्ट्स है वो एकदम ही बारीक जो है फाइन सैंड जो है वो आगे की तरफ गिरती रहती है जो हमें ट्रांसपोर्ट करना रहता है, और जो दूसरी तरफ जो रहता है वो दूसरी तरफ एक कोर्स एग्रीगेट रहता है जो कि हम कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ नहीं करते, तो उसको हम अलग साइड में निकाल देते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि जेसीबी में अगले साइड से जो है जो बड़े पार्टिकल थे, जो बड़ी साइज की सैंड थी या रेत थी, उसको एक साइड निकाला जाता है जो किसी काम का नहीं रहता है, तो वो जो है वो फिर से नदी के जो तल है
या बॉटम है उसमें फिर से समा दिया जाता है, और जो भी काम की सैंड है, जो बारीक रेत है, उसे हम जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। देन उसके जो बाहरी साइड में कोर्स एग्रीगेट रहता है जो हम कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ नहीं करते, उसको एक साइड रख के फिर से जो रिवर है उसके बॉटम में छोड़ दिया जाता है। तो इस तरह से ये सारी प्रोसीजर चलती रहती है। क्या आपको पता है कि हमारे इंडिया में ये जो नेचुरल सैंड बोला जाता है, ये नेचुरल सैंड अभी ख़त्म होने की कगार पे है। जो भी नेचुरल रिसोर्सेस है, कंस्ट्रक्शन इतना बढ़ गया है कि हमें रेत की कमी जो है वो महसूस हो रही है। अभी इसका सब्स्टिट्यूट जो है हम आर्टिफिशियल सैंड, जो भी चूरा रहता है गिट्टी का, वो हम आर्टिफिशियल सैंड करके यूज भी करते हैं। तो हमें नेचुरल रिसोर्सेस को संभालना है, सैंड को जो है कम जितना हो सके उतना कम करना है, इसके सब्स्टिट्यूट जो है वो ढूंढने हैं, ताकि हमारी नदियाँ, हमारे रिवर जो है वो बची हुई रह सके और हमारे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी इसका फर्क ना पड़ सके। तो भी आपका जो है ऐसे ही यूजफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने नज़दीकियों से, फ्रेंड से शेयर भी करना है। थैंक यू।